हेलो एवरीवन, मेरा नाम राधिका है। मैं आज पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर का वाइवा का ट्रायल देने जा रही हूँ। आपने फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लिया? यस सर। कहीं से कुछ भी पूछा जाए कर लोगे? श्योर सर। ठीक है, तो बाकी बच्चों से मैं ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछ चुका हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने किसी से नहीं पूछा है, तो आप मेरे को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताइए। जी सर, तो चलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो 1918 के दौरान में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी को पराजित कर दिया। साथ ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि एक प्रकार का वैश्विक युद्ध था, अगर इसी काल की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 से शुरू हुई तथा इसकी समाप्ति 1 सितंबर 1945 को हुई। ये 6 वर्षों तक चला था। साथ ही इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। और अगर बात की जाए तो अन्य राष्ट्रों से यहाँ पे लगभग 100 मिलियन सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें से 50 मिलियन सैनिक मारे गए थे। अगर जाने कि कोई भी युद्ध क्यों होता है, तो इस विश्व युद्ध के पीछे भी कई कारण थे, ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जब पराजित हो गया था, तो 28 जून 1919 में जर्मनी से वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। साथ ही इसके अंतर्गत था कि जर्मनी से अपनी ज़मीन के बहुत बड़ा भूभाग छीन लिया गया था। साथ ही उसे अन्य राज्यों पर कब्जा करने से पाबंदी लगा दी गई थी, और जो उसके सैनिक का जो सेना का जो आकार था उसे भी सीमित कर दिया गया था। और जितना भी प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान हुआ था, जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई थी, सबको जर्मनी पर थोपी गई थी। अब ये जर्मनी वर्साई की संधि जर्मनी को ज़बरदस्ती दी गई थी, क्योंकि ये सब एक तरीके से देखा जाए तो गलत था, क्योंकि ये सब एक तरफा था। यहाँ पर जर्मनी की राय नहीं पूछी गई थी। जहाँ पे पावरफुल कंट्रीज़ ब्रिटेन, यूएसए वगैरह साम्राज्यवाद कर रहे थे, वहाँ पे जर्मनी को इससे रोका गया था, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोगों ने इसे काफ़ी अपमानजनक समझा, जो कि अपमानजनक था। अब बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, वो था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। जब जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, तो ब्रिटेन और जो फ्रांस थे, उन्होंने 2 दिन बाद जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन ने पोलैंड का साथ दिया, क्योंकि पोलैंड और ब्रिटेन के मध्य एक संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था किसी भी देश पर हमला अपने ऊपर हमला समझा जाएगा तथा अन्य देश उस देश की मदद करेंगे। इसलिए ब्रिटेन आदि देशों ने पोलैंड का साथ दिया। साथ ही अगर उस दौरान की बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो उस टाइम पे जो भारत था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो आधिकारिक रूप से भारत ने भी वहाँ पे नाजी शासन के विरुद्ध, यानी नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तथा भारत से भी कम से कम 10 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भेजे गए थे। ये था। इसके बाद हम जानते हैं कि जो दुनिया थी 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी थी, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान, इटली। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया। अब जर्मनी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था, तो वो एक एक कर बाकी सभी देशों पे हमला करना चाहता था। इसलिए उसने शुरुआत 1940 में उसने फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड पर हमला कर दिया। साथ ही इसके पश्चात जब उसने हमला कर दिया, तो पूरे पश्चिमी यूरोप में तड़ित युद्ध प्रणाली छिड़ गई। अब तड़ित युद्ध प्रणाली क्या थी? इसके अंतर्गत उसने अपने सारे लड़ाकू विमानों से एकदम अति तीव्र गति से पूरे फ्रांस पर हमला कर दिया, तथा साथ ही फ्रांस पर हमला करने के साथ दुश्मन देश को हमला करने का कोई मौका ही नहीं दिया। इसमें जो जर्मनी थे, उसने फ्रांसीसी सरकार विची के साथ फिर इस युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। उसके पश्चात देखा जाता तो जब उसने यहाँ से युद्ध प्राप्त कर ली, तो वो ब्रिटेन की ओर बढ़ता है, तो उसने ब्रिटेन पर वो हमला करता है 1940 में, जुलाई 1940 में वो ब्रिटेन में हमला करता है, जिसमें देखा जाता है कि जर्मनी की हार हो जाती है।
जो कि सितंबर तक चलता है, जो जुलाई 1940 में युद्ध करता है और सितंबर तक चलता है, उसमें ब्रिटेन की हार, उसमें जर्मनी की हार हो जाती है। अब जर्मनी को यह हार बर्दाश्त नहीं होती तो उसने 1941 में रशिया पे हमला कर दिया। एक बात बता दी जाए तो ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया के बीच में विंडरटॉप संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था कि एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा। ये अनाक्रमण की संधि थी, अर्थात जर्मनी और रशिया एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। परंतु उसने इस संधि को समाप्त रद्द कर दिया तथा साथ ही उसने रशिया पर 1941 में हमला कर दिया। इसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की युद्ध में अभी तक एंट्री नहीं हुई थी, तो अमेरिका के जो व्यापारिक प्रतिबंध थे उसे जापान काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो इसलिए 7 नवंबर 1919 में उसने हवाई में स्थित जो अमेरिका का पर्ल हार्बर नामक जो नौसेना थी उस पर बिना बोले यानी अचानक हमला कर दिया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि इसने हमला कर दिया और उसे कुछ दिनों बाद ही जर्मनी ने युद्ध, अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब उसने युद्ध की घोषणा कर दी तो उसके बाद अमेरिका की हम एंट्री देखते हैं, अमेरिका की एंट्री 1942 में मानी जाती है, ठीक है। फिर अमेरिका जब उसमें एंट्री करता है तो उसने अपने अमेरिका फिर युद्ध छेड़ देता है, जिसमें उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लड़ाकू विमानों ने निभाई है। जब लड़ाकू विमान उस लड़ाई कर रहे थे, उसने जापान के जितने भी वाहक थे और युद्धपोत थे उन सभी को युद्ध में समाप्त कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका कहता है कि युद्ध को जल्दी समाप्त करने के उद्देश्य से उसने परमाणु बमों का हमला शुरू कर दिया। परमाणु बमों का जब हमला शुरू करा तो उसने, अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला कर दिया। 6 अगस्त को लिटिल बॉय, जो कि परमाणु बम का गुप्त नाम था, हिरोशिमा पर गिराया गया। ये 100 मेगावाट का था, जिसे यूरेनियम 239 कह सकते हैं। इसके पश्चात उसने दूसरा बम गिराया जिसका गुप्त नाम था फैटमैन, जो कि 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। ये प्लूटोनियम 239 था, फर्स्ट वाला 235 था। पहले बम की जो क्षमता थी वो 15 किलोटन थी और दूसरे बम की क्षमता 21 किलोटन थी। आप जान सकते हैं ये बमों से काफ़ी विध्वंस और विनाश हुआ, जो कि जापान में काफ़ी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ। इसके पश्चात जब ये बम गिराया गया तो अमेरिका की आलोचना की गई। अमेरिका की आलोचना इस बात को लेकर की गई कि उस समय पर यह बात है कि जापान जो था वो आत्मसमर्पण करने वाला था, परंतु फिर भी अमेरिका ने उस पर परमाणु बम के हमला कर दिया, जो कि गलत था। तो दुनिया भर में अमेरिका को इस बात को लेकर काफ़ी आलोचना की गई। साथ ही इसी के साथ हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। थैंक यू। जी सर, जैसे कि हिटलर के बारे में आपने ज़्यादा नहीं बताया, खैर कोई नहीं, आपके गलत सिलेबस में था नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हिटलर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक मामूली सा सिपाही था, इतना ज़्यादा वीर था कि उसको आयरन क्रॉस का अवार्ड भी मिला था। जब वार्साई की संधि की जा रही थी उस वक्त हिटलर जो था वो हॉस्पिटल में था, वो ये सोच रहा था कि हमारे जो देश के जो नेता है वो बुजदिल है, कायर है, सेना की तरह होना चाहिए, लड़ो या मरो, ठीक है। और हिटलर ने उसके बाद सेना छोड़ दिया और उसके बाद उसने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया। न्यूज़पेपर ज्वाइन करने के बाद फिर उसने एक पार्टी ज्वाइन किया, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया, ठीक है, नाजी दल। और बाद में उसने उसका ही नाम बदल के उसको नाजी दल में कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम उसने नाजी दल किया। उसके बाद हिटलर चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया, कम वोट से, थोड़े से वोटों से रह गया वो। और हिटलर को उसकी जो नीतियाँ थी इतनी ज़्यादा क्रूर थी जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाला गया तो हिटलर ने एक बुक लिखा था द कैंप, और ये वहाँ के लोगों के लिए बाइबल दिख रहा था। उस किताब को पढ़ने के बाद लोगों के अंदर में हिटलर को लेकर के फैनफॉलोइंग कुछ ज़्यादा फैल गई, जिससे लोगों ने हिटलर को और ज़्यादा सपोर्ट किया। और अगली बार जब चुनाव हुआ हिटलर भारी मतों से जीता और जीतने के बाद उसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि अगर मैं जीतूँगा तो मैं आपको हर वो चीज़ मुहैया कराऊंगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने कहा था कि मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास प्लान है, ठीक है, अगर मैं जीता तो मैं शिक्षा सही कर लूँगा, बेरोजगारी है सबको मैं सीधा में जॉब दूंगा, ठीक है, देश की जो खोया हुआ इज्जत है, जो मान सम्मान है उसको मैं वापस दिलाऊंगा,
बदल के देखो में जो उन्होंने हमारे साथ किया है। आपको पता है कि उस वक्त सिर्फ सबमरीन जर्मनी के पास वर्क करते थे, जर्मनी के सबमरीन भी उन्होंने ले लिया था मित्र राष्ट्रों ने। इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप एक लिमिटेड क्वान्टिटी में ही सैनिक को रख सकते, ज़्यादा नहीं रख सकते। इन सब चीज़ों को रिवेंज लेने के लिए हिटलर आ गया। हिटलर ऐसे युद्ध करना नहीं चाहता था फिलहाल, तो उसने शुरू में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पोलैंड ने कॉपरेट नहीं किया, दैट्स व्हाई उसने फर्स्ट पोलैंड पे अटैक किया 1939 में, ठीक है। उसने वहाँ पर अटैक किया और वहाँ से उसका फर्स्ट वॉर का हम शुरुआत मानते हैं। अब यहाँ पे आपने पूरा ओवरऑल बता दिया, अब मेरे को ये जानना था कि फर्स्ट सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ। अब यहाँ पे मेरे को जानना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण, आपने एक वारसाई की संधि बताया, क्या इसके अलावा और भी कोई कारण थे? ये वारसाई की संधि इसमें महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद तुष्टिकरण की नीति भी इसका कारण था, साम्राज्यवाद भी था, सैन्यवाद भी था, तथा वहाँ पे आर्थिक मंदी का दौर चला था। जैसे कि हमें पता है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी चरमरा चुकी थी, और उसके बाद तुष्टिकरण की जो नीति में उसमें युद्ध को अवॉइड किया जा रहा था, और सैन्यवाद में वहाँ उनकी आगे जो मिलिट्री पावर को अपनी शक्ति और बढ़ावा देना चाहते थे। और साम्राज्यवाद की बात करें तो अन्य देश जो अन्य देश थे जो पावरफुल थे वो साम्राज्यवाद कर रहे थे, परंतु इसको रोका गया था साम्राज्यवाद करने से, लेकिन उसने साम्राज्यवाद की नीति को भी तब भी आगे रखा। इसमें चीज़ और है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ, हम देखते हैं वहाँ पर जापान में दो बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी, जी सर, ठीक है। और वहीं से हम देखते हैं कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है सेकेंड जी। तो अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने वहाँ पर बम गिराया, जबकि अमेरिका ने रशिया की रेड आर्मी को कह दिया था कि आप जापान पर जाइए और मेरे जो पर्ल हार्बर पे उन्होंने जो हमला किया उसको रिवेंज दीजिए। रशिया की रेड आर्मी ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी थी, जापान को बुरा हरा रही थी, उसके बाद भी अमेरिका ने जापान पर हमला किया, ठीक है, ये बता आपको जी सर। इसमें अमेरिका ने एक चालाकी दिखाई कि अगर रशिया जापान के पास जाता है और वहाँ पे उस जापान को उसको हरा देता है, तो आगे चलकर जो उसका वर्चस्व होगा जापान पर, जर्मनी पर, जापान पर, तो वो वर्चस्व क्या हो जाए, रशिया का हो जाएगा। और उसके बाद काफ़ी है, आप जा सकते हैं।